पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने रोहतक लोकसभा के ब्राह्मण समाज द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में कल एक बड़ा ऐलान कर दिया। एमडीयू यूनिवर्सिटी में कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स के नेतृत्व में ये आयोजन हुआ था, जहां हुड्डा ने कहा कि 2019 में उन्होंने अपनी सरकार बनने पर ब्राह्मण समाज से डिप्टी सीएम बनाने का जो वादा किया था उसको 2024 में पूरा करने का काम करेंगे। इसके अलावा उन्होंने अपनी सरकार बनने पर ब्राह्मण आयोग के गठन का भी वादा किया और साथ ही ये दावा किया कि न सिर्फ रोहतक लोकसभा बल्कि पूरे हरियाणा का ब्राह्मण समाज इस समय उनके और कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा है। पिता के बाद पुत्र ने भी ब्राह्मण समाज की तारीफ में कोई कसर नहीं छोड़ी और ब्राह्मण समाज को पूजनीय और मार्गदर्शक तक बता दिया। लेकिन जब दीपेंद्र हुड्डा से ये सवाल पूछा गया कि उनके पिता ने ब्राह्मण समाज से डिप्टी सीएम बनाने की बात कही है, तो इस पर उन्होंने सीधा जवाब न देते हुए गेंद वापस अपने पिता के ही पाले में डाल दी। यानी ब्राह्मण समाज को डिप्टी सीएम बनाने की बात भूपेंद्र हुड्डा तो कह गए, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा ने इस बात को अपनी जुबान पर नहीं आने दिया। अंत में अब आपको सुनाते हैं कि हमारे संवाददाता सुरेंद्र सिंह जब भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा से इस सम्मेलन के उद्देश्य और ब्राह्मण समाज की मांगों को लेकर सवाल कर रहे थे तो दोनों पिता पुत्र ने क्या जवाब दिए। देखिए, ब्राह्मण समाज का हमारे परिवार में सदा आशीर्वाद रहा है और आज सबने सामूहिक तौर पे इस पार्लियामेंट क्षेत्र के ब्राह्मण समाज ने आशीर्वाद दिया है और ये यहाँ तक सीमित नहीं है, पूरे हरियाणा में पूरे हरियाणा मिलेगा। यहाँ पे जाता हूँ ब्राह्मण समाज पूरे समर्थन में उस डिमांड्स भी रखी गई है उनको लेकर के क्या जो उनका EWS है वो लागू करेंगे, जो हमने डोली दारी का मालकाना हक दिया था वो लागू करेंगे और जो 19 में वायदा किया था पूरी समाज से एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा वो उसका है और ब्राह्मण आयोग बनाया जाएगा। एक जातिगत जनगणना के आधार जो हो रहा है तो उसका आप लोगों ने समर्थन किया है, लेकिन आज मनोहरलाल खट्टर ने कहा है कि हमारे स्टेट में ऐसी कोई डिमांड नहीं है, हम उससे ऊपर उठ सकते नहीं। जातिगत जनगणना होनी चाहिए पूरे देश में भी और हरियाणा में भी, ताकि जिस समाज का जो हक है उसको मिलना चाहिए। तो मुख्यमंत्री ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हम जाते उनसे पूछो, उनसे पूछो कि वो करना नहीं चाहते, वो सबका हक देना नहीं चाहते। एमपी साहब, ब्राह्मणों को लेकर के कुछ ज्यादा ही चाहे कोई भी पार्टी हो सम्मेलन कर रही है, क्या डर है कि ब्राह्मण छिटक जाए? नहीं, देखिए इसे आपने देखो तो हर समाज का कार्यक्रम रहता है और जो है हर समाज के अभी आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी अहीर समाज ने गजर में एक बहुत बड़ी सभा करी थी और उससे पहले तो मैं हर महीने भर आपको क्रम वाइज बता सकते हैं। तो हर छत्तीस बिरादरी की का कांग्रेस पार्टी छत्तीस बिरादरी की पार्टी है और हर समाज का अपना स्थान है, अपना महत्व है। ब्राह्मण समाज हमेशा समाज का एक अग्रणी समाज है, समाज को दिशा देने वाला समाज है, राजनीतिक दिशा देने वाला देश को समाज है, प्रदेश को समाज है, हमारा हर प्रकार से एक पूजनीय समाज के रूप में एक जो है समाज ब्राह्मण समाज को जाना जाता है। उस रूप में आज की जो ये सभा है ब्राह्मण समाज की बस्ती के नेतृत्व में जो हुई है उसका मैं समझता प्रदेश की राजनीति एक बहुत बड़ा सा एक अच्छा इतनी बड़ी भीड़ के अंदर जब स्टेज से आपको भावी मुख्यमंत्री कहा जाता है तो कैसे लगता है? साथ में एक डिप्टी सीएम की समाज की तरफ से एक आवाज भी वो आपने उड़ा साहब से पूछ लिया होगा, उनका कार्य क्षेत्र उन्होंने उस बारे में आपको जवाब दे ही दिया। अच्छा एमपी साहब, आखिरी सवाल मेरा ये है कि मंच से बार बार ये कहा गया कि इस समाज से भी डिप्टी सीएम होंगे उस समाज से भी होंगे, क्या कांग्रेस में डिप्टी सीएम कई बनाने की योजना है? देखिए आपने ये सवाल हुड्डा साहब से पूछा होगा, उनने जब इनने इसकी घोषणा करी है तो अब सारे सवाल आप रिपीट क्यों कराएंगे?